नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, मैं स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता गड़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज क्या मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया है। एक्चुअली जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि मेरी बुआ का ऑपरेशन था और आप सबके दुआओं और आशीर्वाद से सक्सेसफुल हो गया है। मतलब उनकी जो मैंने बोला था ना कि चार जगह पे ड्रिल होकर ऑपरेशन होगा, तो उससे ही सक्सेस हो गया है। मतलब आगे का प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कुछ भी बताया था मैंने आपको। तो भगवान के आशीर्वाद से और आप दोनों आप सबकी दुआओं से सब कुछ ठीक हो गया है। और फिर सुबह उठी मैं तो मतलब वही घर का काम निपटा के स्कूल चली गई। स्कूल से आने आज बच्चों की छुट्टी थी। हमारे यहाँ हरियाणा में आज था शहीद उधम सिंह दिवस जयंती के ऊपर, पूरे हरियाणा में बच्चों की स्कूल की छुट्टी हो गई थी। कल शाम को ही मैसेज आ गया था इस चीज़ का, तो बच्चे तो गए नहीं स्कूल, ये मेरे बच्चे भी नहीं गए थे। और जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ पर भी बच्चे नहीं आए थे। टीचर्स को बुलाया था वही टाइमिंग सुबह 7:30 से, लेकिन वहाँ से हम आधा पौना घंटा जल्दी आ गए। जैसे पहले 1:45 आते थे, तो आज हम 1 बजे आ गए वहाँ से। तो फिर उसके बाद आके मैंने एक मूवी आई हुई है, जो कि मुझे हॉरर मूवी बहुत पसंद है। आपको कैसी मूवी पसंद है बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो मुझे हॉरर मूवी बहुत पसंद है, तो ब्लडी इश्क है मूवी का नाम, जो कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आई हुई है। तो वो देखी, बहुत डरावनी थी। आधी मैंने कल रात को देखी थी, आधी आज स्कूल से आके देखी। मतलब जब हम कोई मूवी देख लेते हैं ना, तो दिमाग में वही चीज़ें घूमती रहती है बहुत देर तक। तो वो देखी, फिर उसके बाद थोड़ी देर सो गई। और सोने के बाद आज मैंने क्या किया था कि मतलब सुबह ही सारा काम निपटा के गई थी। 7:30 बजे पहुँचना था मुझे स्कूल। तो सुबह में रात को सब्जी बना दी थी मैंने, पनीर की सब्जी। तो वो सब्जी मैंने बना दी थी, तो सुबह बनाई नहीं, ज़्यादा करके बना दी थी तो सुबह बनाई नहीं। मैंने कहा बच्चों को तो छुट्टी है, कौन सा स्कूल लेके जाएंगे, फ्रिज में रखी रहेगी तो ख़राब होगी नहीं। तो फिर सुबह बस मैंने चावल बना दिए। और ये देखिए इतने सारे कपड़ों का ढेर, आज मैंने पहली बार जब से मतलब यहाँ पे स्कूल ज्वाइन किया ना, तब से पहली बार मैंने सुबह कपड़े धोया नहीं, तो आके स्कूल से धोती हूँ। तो कपड़े वगैरह सुबह ही धो के गई थी, तो अभी मुझे इनको उतारना है, तेल लगानी है, प्रेस करनी है, फिर वही शाम का काम निपटाना है। और आज सब्जियाँ लेने भी जानी है, सब्जियाँ ख़त्म हो रही है, तो बहुत सारे काम करने हैं। और ब्लॉग आज मैंने सुबह से बनाया नहीं है, तो मैंने सोचा अब आज की मतलब कुछ थोड़ा बहुत अपडेट ही दे देती हूँ कि आज का रूटीन क्या रहा मेरा। तो यही सब कुछ था, और बाकी ऐसा कुछ नहीं था आज पूरे दिन में, वही डेली रूटीन वाला था। तो कुछ इसलिए भी मैंने शूट नहीं किया ब्लॉग, मतलब कुछ अलग हो तो करने का मन भी करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कीजिए जिनको ब्लॉग पसंद है उन लोगों के पास। और ये देखिए बैठा हुआ है महाराज, इनको सुबह में बोल के गई थी पढ़ने के लिए और कुछ भी नहीं पढ़ा इन्होंने, आके मैंने सब कुछ पढ़ाया। आराध्या अभी अंदर पढ़ रही है, तो अभी इनकी मुझे तैयारी भी करवानी है, कल इनका एग्ज़ाम है। आज छुट्टी हो गई तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया इनका, 5 तारीख को कर दिया है। और जो मतलब वही है जो कल का एग्ज़ाम था, वो कल की डेट पर ही है। तो इसका मैथ का एग्ज़ाम है, आराध्या का SST का एग्ज़ाम है, तो इनकी भी तैयारी करनी है अभी मुझे। तो मैंने सोचा छोटा सा वीडियो बना के कुछ अपडेट दे के वो डाल देती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अगर आपके चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।